अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अजरंदी किचन। आज अपने किचन में आपको केक डेकोरेट करना सिखाएंगे। इस केक के स्पंज की रेसिपी मैंने आपको इससे पहले वाली रेसिपी में आपको दिया है, और मैंने उसमें प्रीमिक्स बनाना सिखाया था, बेसिक प्रीमिक्स। तो उसी से मैंने वनीला स्पंज रेडी किया था। आज उसी स्पंज को हम डेकोरेट करेंगे। तो किस तरह करेंगे आप मेरी रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा, स्टेप बाई स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत गुड लुकिंग लग रहा है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था ये। चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक बॉल लिया है हमने, उसमें एक कप पानी ऐड किया है, 2 टेबल स्पून इसमें हम चीनी डालकर एक चीनी को डिसॉल्व कर लेंगे और शुगर सिरप बना लेंगे। साइड पर रख दिया है। अब ये वही केक है जो हमने 2 दिन पहले आपको दिखाया था। इसको हमने फ्रिज में इस तरह से ही मोल्ड में डालकर, और इसका रैपर नहीं हटाया था हमने, और पैक करके रख दिया था। डेकोरेशन से कुछ देर पहले हमने इसको बाहर रख लिया था केक को निकाल कर। बस अब हमने ये चिल्ड हमारी क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम, एक कप ले लेंगे। 250 ml का कप है ये हमारा, एक कप ले लेंगे। अगर बीच में हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम और ले लेंगे। क्रीम हमेशा चिल्ड ही लेने चाहिए। बस अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, और एक स्टफ पीक आने तक इसको हम बीट करेंगे। पहले स्लो स्पीड पर बीट करेंगे हम इसे, और जब थोड़ी सी ये सॉफ्ट पीक बन जाएगी इसकी, तो हम इसकी स्पीड को बढ़ा लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको स्लो स्पीड पे किया था, फिर 3 मिनट बाद हमने जो है, अब देखें थोड़ा सा थिक होने शुरू हो गए, सॉफ्ट पीक्स आने शुरू हो गई हैं। तो अब हम इसमें इसको 5 से 7 मिनट और बीट करेंगे, ताकि ये एकदम से स्टिफ पीक्स आ जाए जैसे हमें चाहिए। ये देखें अब हम इसमें से उठा रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल से उठ पा रहा है, और ये फिर गिर भी नहीं रहा। मैं आपको छाड़ के दिखाती हूँ। तो इसका मतलब है सही से हमारी बीट, हमारी क्रीम जो है इस वक्त सही से बीट हो गई। ये देखें बिल्कुल हार्ड हो रही है, हमें इसी तरह से चाहिए थी। अब इसमें से हम थोड़े थोड़े अमाउंट में 2 जगह निकाल लेंगे, जितने हमें डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स बनाने हैं। बस अब ये केक हम इसे निकालेंगे इसमें से, मोल्ड में से, और फिर आपको डेकोरेशन बताते हैं किस तरह करनी है। आप इस तरह से केक बना के 10 से 15 दिन रख सकते हैं फ्रिज में, तो आपका केक जो है फ्रेश ही रहेगा। ये आपको दिखाया है, मैंने कट करके भी दिखाया था पिछली वीडियो में, और 3 स्लाइस हमने इसके कट किए थे वो भी दिखाए हैं। और ये एक जो ऊपर का पीस है ये हमारे काम का नहीं है फिलहाल, ये डोम शेप कहलाता है, इसे हमने अलग कर दिया था। जो हमने शुगर सिरप बना के रखा था उससे हम इसे बहुत अच्छे से सोक कर लेंगे। जितना अच्छे से सोक करेंगे उतना ही अच्छा हमारा सॉफ्ट स्पंज बनेगा। सॉफ्ट तो ये पहले से ही है, लेकिन जो सॉफ्टनेस, एक जूसीनेस आ जाती है इससे। ये देखें इस तरह से, उसके ऊपर फिर हम क्रीम लगा लेंगे। क्रीम जितने अमाउंट में आपको पसंद है इतनी ज़्यादा लगाएं। मुझे अभी इसमें बीच में बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी थी, इसलिए मैं कम ही लगा रही हूँ। अब हम वाइट चॉकलेट चिप ऐड कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये वनीला स्पंज है। अगर हम इसी को वनीला पाइनएप्पल केक बनाते तो हम उसमें पाइनएप्पल सिरप ऐड करते और पाइनएप्पल की चंक्स ऐड करते। तो अब हमने दूसरी लेयर स्टार्ट कर ली, इस पर भी हम उसे की सेकेंड लेयर भी हो गई। अब हमने जो सबसे नीचे वाला इसका स्लाइस था वो सबसे ऊपर रखा है, और सबसे ऊपर वाला जो स्लाइस था वो हमने उसको नीचे रखा था। बस अब हम यहाँ कुछ थोड़े से अमाउंट में क्रीम लेके और क्रम कोट कर लेंगे। बस ये हमारी क्रम कोटिंग हो गई थी, हमें इसमें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पर बची हुई जो क्रीम थी उसमें हम 2 ड्रॉप्स के बाद इसमें हम लाइट सा पिंक शेड ऐड किया है, और देखें हल्का सा पिंक हम बना रहे हैं इसको, बेबी पिंक से भी बहुत लाइट। बस ये हो गया है। केक भी हमारा सेट हो गया है, क्रीम भी हमारी रेडी है, कलर हमने ऐड कर दिया था इसमें, और अब हम इसको अच्छे से
मैं इसमें अभी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दूंगी क्योंकि मैं जिस तरह डेकोरेट करूंगी तो ये सारा कुछ छुप जाएगा उसमें। फिनिशिंग की इतनी मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मैं बस हल्के ही हाथ से कर रही हूँ। और ये हो गए हैं, हम इसे रखेंगे फ्रिज में। तब तक हम अपने फ्लावर्स बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए क्रीम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पिंक, हमारे पास पहले से यानी इसका शेड था बचा हुआ हमारे पास क्रीम, और उसमें मैंने 2 से 3 ड्रॉप रेड कलर डाले हैं तो पीच कलर बन गया है। अब यहाँ हम बना रहे हैं लीव्स बनाने के लिए ग्रीन कलर, इसमें भी हम 2-3 ड्रॉप ऐड करेंगे और कलर अपने हिसाब से बना लेंगे। कम होगा तो हम एक दो ड्रॉप और ऐड कर लेंगे। ये देखें, अब ये हमें ऐसे ही कलर चाहिए था, बस ये रेडी है। अब हमारे पास पाइपिंग बैग है और उसमें हमने नोज़ल भी लगा लिया। मैं नोज़ल आपको चल के दिखा दूँगी आगे। और सारी जो हमने क्रीम बनाई है पीच कलर की, जिससे हम फ्लावर्स बनाएंगे, वो ऐड कर ली है इसमें। ये देखें, ये वाली नोज़ल है हमारे पास। बस इस तरह से हम रोज़ेस बना लेंगे इस पर। कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आपको जो कलर पसंद हो, जिस कलर की आपकी डिमांड हो, दिल चाह रहा हो कि इस कलर का हमें केक बनाना चाहिए, जो आपने थीम रखी हो अपनी बर्थडे की या एनिवर्सरी की, तो उसी थीम के हिसाब से आप इस कलर चूज़ कर सकते हैं। बस इसका बॉर्डर भी हमने उसी नोज़ल से बनाया है जिससे हमने ये अपने फ्लावर्स बनाए थे। और यहाँ पर हमने जो है लीव नोज़ल लगाई है, उससे हमने लीव्स बनाए हैं, और ये बीच में फ्लावर्स बना रहे हैं हम। बस अब साइड से भी हम हल्का हल्का इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। और सिल्वर बॉल्स लगा देंगे हम इस पर, तो इससे और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। ये देखें कितने खूबसूरत लगने लगा है। बस अब ये रेडी है, ये है हमारे केक का फाइनल लुक। और बीच बीच में जो एक मक्खी ने तंग किया है, बस उसे इग्नोर कीजिएगा। और उसी की वजह से कहीं कहीं जो है मेरा हाथ शेक हो रहा था, तो उसको पकाने के चक्कर में तो कुछ फ्लावर्स मेरे डिस्टर्ब हुए हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मेरी और भी रेसिपीज़ के लिंक होते हैं। और इस केक का जो मैंने आपसे प्रीमिक्स बनाया है और केक रेडी किया है, यानी कि स्पंज रेडी किया है, प्रीमिक्स बनाया है, उसकी उस रेसिपी का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। चलें इसका वेट कर लेते हैं। ये देखें, ये 766 ग्राम्स है। अल्लाह हाफिज़।